नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे ऐसा विश्वास है मुझे। और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम सब पर बनी है, बनी रहेंगी, इसलिए हम सब अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे। क्योंकि हम सभ्य हैं इसलिए हम सब घरों में हैं। सुंदर सी बात से मैं अपनी बात को आरंभ करता हूँ। पानी से भीगेंगे तो कपड़े गीले होंगे, या पानी से भीगेंगे तो कपड़े ही बदलेंगे, लेकिन अगर पसीने से भीगेंगे तो शायद इतिहास बदलेंगे। मेहनत जो करते हैं वो कभी असफल नहीं होते, और मेहनत एक दिन करने से कोई सफल नहीं होता है, निरंतरता उसमें रखनी पड़ती है, तब जाकर के वो सफल होता है। तो इसी बात को मैं समझाने के लिए कुछ पुरानी बातें गुरुदेव की आपके समक्ष रखूंगा कि अच्छाई को निरंतर करना पड़ता है, और बुराई को कुछ समय करने के पश्चात भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें विख्यात होना है कि हमें कुख्यात होना है, दोनों में एक अक्षर का फर्क है, विख्यात और कुख्यात। हाँ, कुख्यात होने के लिए कुछ क्षणों की दरकार होती है, और विख्यात होने के लिए बहुत सारा समय हमें चाहिए होता है। कैसे? बुराइयां जल्दी फैल जाती हैं, अच्छाइयों को फैलने में समय लगता है, या कहें उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है अच्छाई की, तब जाकर के उसका एक रिजल्ट, एक परिणाम हमारे सामने आता है। लेकिन बुराइयां कुछ ही क्षणों में तुरंत चारों तरफ फैल जाती हैं। जैसे हम घरों में दो बाल्टियां लें 15-15 किलो की, और एक के अंदर 5 बूंद गुलाब जल अच्छाई और एक में 5 बूंद केरोसिन तेल बुराई डाल दें, उसके पश्चात उसका क्या होगा हम सब जानते हैं। गुलाब जल वाली बाल्टी में शायद उसकी सुगंध नहीं आएगी, लेकिन केरोसिन तेल वाले उस बाल्टी में उस बुराई की दुर्गंध फैलती चली जाएगी। यहाँ तक कि उस बाल्टी को जहाँ जहाँ हम रखेंगे वो सारा पानी आगे आगे खराब होता चला जाएगा, यहाँ तक कि वो बाल्टी भी दुर्गंध युक्त रहेगी जब तक उसे साफ ना किया जाए। वैसे ही विचार होते हैं साहब, हमारे अंदर अच्छे विचार हैं तो एक अच्छे विचार से हम अच्छे नहीं बनेंगे, उन विचारों की अधिकता रखनी पड़ेगी, तब जाकर के उन विचारों से हम अच्छे बन जाएंगे। व्यक्ति का भी अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके विचार अच्छे होते हैं, उसके विचार बुरे होते हैं। विचारों का एक पुंज है व्यक्ति, एक मनुष्य। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे विचारों का संग्रह करना है, और बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं लोगों के माध्यम से। हाँ, उनमें से कुछ तो हम फॉरवर्ड करें, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले हम उसे अपने पास रखें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो वो एक पुराना एक स्लोगन याद आ गया, करते रहें भलाई की सप्लाई और उसकी अप्लाई भी करें, तब जाकर के हमारा जीवन कुछ बदलेगा। हा? तो वापस उन्हीं शब्दों के पास आता हूँ कि हम अगर पानी से भीगेंगे तो केवल कपड़े बदलेंगे, और अगर हम मेहनत के पसीने से भीगेंगे तो शायद इतिहास बदलेंगे। राधे राधे।